तो फ्रेंड्स, आज मेरी भाभी चूल्हे पे खाना बना रही है और देखते हैं क्या बनाने वाले हो। हेलो भाभी। हाय। क्या बना रहे हो आप? मैं खानदेश की स्पेशल खिचड़ी बना रही हूँ। वाह, वो चूल्हे पे बहुत अच्छी लगती है। वाह, बहुत ही टेस्टी दिख रही है, देखिए। और आज हम ये खिचड़ी खाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस खानदेश स्पेशल खिचड़ी की रेसिपी बताने वाली हूँ। और उन्होंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल डाला है। ये खिचड़ी 7 से 8 लोगों के लिए बन रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तेल गर्म होने के बाद इसमें हमने राई डाल दी है। उसको अच्छे से तड़कने के बाद उसमें हम तेज़पत्ता डालेंगे। और उसके बाद हम उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, 2 बड़े बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं, और उसमें डालेंगे हम मूंगफली 2 बड़े चम्मच और 1 पोटैटो, जिसकी छिलका निकाल के छोटे छोटे पीसेस कट किए हैं। और उसे अच्छे से तेल में फ्राई होने देंगे। चम्मच को चलाते रहेंगे बार बार ताकि वो जले ना। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऑलरेडी पहले ही डाल देंगे। और इसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट, और चम्मच को लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हमने डाला है एवरेस्ट का चिकन मसाला और एवरेस्ट का पुलाव मसाला। अब इसमें हमने घर में बनी हुई लाल मिर्च पाउडर डाली है। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम डालेंगे टमाटर। अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं दाल और चावल। यहाँ पे तूर की दाल ली है, आप चाहे तो मूंग की दाल भी ले सकते हो। और चावल और दाल को हम अच्छे से धो लेंगे। जितने चावल लिए है उसकी हाफ क्वांटिटी दाल लेनी है। और इसे धोने के बाद इस मिश्रण में डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हम इसमें 7 ग्लास पानी डालेंगे। इसमें 1 गिलास चावल और आधा गिलास दाल का मिश्रण था, जिसके लिए हमने 7 गिलास पानी लिया है। और ऊपर से हमने यहाँ पे धनिया डाल दिया है। नमक हमने पहले ही डाल दिया था, इसलिए दोबारा नमक नहीं डालेंगे। अब ये होने में आया है, इस पे ढक्कन मारते हैं हमने। खानदेश की यम्मी यम्मी खिचड़ी किस किस को खानी है? सब लोग आ जाओ जल्दी से, क्योंकि तुला आवड़ते ना खिचड़ी को। बिरयानी है, बिरयानी समझ। अब जैसे ही इसका पानी कम हो जाएगा, इस पर हम ढक्कन लगा देंगे और ये स्टीम होकर पक जाएगा। चप्पल काढा लांबच, तुला जवळ चप्पल लांब काढा सांगितलं तर। आणि आता वरून मीठ टाकणार तर कसं ते मिक्स होणार? कसं झालं अभी? अभी परीक्षा कसं झालंय? एकदम मस्त, एकदम मस्त। आप सोच रहे होगे कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग, जैसे कि आपको पता है, हम लोग फार्म हाउस में रह रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही रात हो जाती है तो लाइट को अट्रैक्ट करके अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो उनको भगाने के लिए ये एक उपाय है। यहाँ पे हम लोग नीम के पत्तों को जला रहे हैं। नीम के पत्तों को जलाने से उसका जो धुआँ आता है, उससे सारे कीड़े मकोड़े या मक्खियाँ होती है वो भाग जाती है। इसे आप घर के बाहर भी जला सकते हो, ज़रूरी नहीं कि अंदर जलाना है। उस वक्त हमें पता नहीं था, हम लोग ने घर के अंदर उसको जलाया था, लेकिन ये उपाय आप घर के बाहर भी कर सकते हो। हाँ, अगर हम लोग लाइट बंद करके रखते हैं तो कीड़े नहीं आते हैं, लेकिन आदत ने अंधेरे में रहने की तो नहीं रह पाते हैं। गांव के लोग तो यहाँ पे रात को लाइट ही नहीं जलाते हैं, अंधेरे में ही मोमबत्ती के उजाले पे या लैंटर्न के उजाले में ही काम करते हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो हमें ये उपाय रोज़ रात को करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना ना भूले, और अपने फ्रेंड्स और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।